बाहर गई है, इसलिए आज सरिता दीदी ने अपना घर में हमारे जो बड़े गुरु जी की शतवार्षिक उपलक्ष्य में उनको 100 साल पूरी हो गई जन्म का, उसको उपलक्ष्य करते हुए उन्होंने अपना घर में ये सत्संग रखवाए, घर में हरि कीर्तन करवाए। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये बात कहते, बोले पार्वती ये साधारण भाग्य से, ये सत्संग साधारण भाग्य से नहीं मिलते हैं। कहते अति हरि कृपा जा पर होई, पाप देही या संगत सोई। बोले जिसको पर में ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा हो जाए है? जब बहुत बड़ी कृपा हो जाए, बोले पाप देही या संगत सोई, तभी बात जो जहां पर बैठ जाओ, बाद में प्रणाम कर लेंगे, वहीं पर बैठ जाओ, बैठ जाओ अंदर में बताओ जो जहां पर वहीं पर बैठो। हरे कृष्ण। इसलिए शंकर जी क्या कहते हैं, बोले जिसको पर में ठाकुर का विशेष कृपा हो जाए पार्वती, पाप देही या संगत सोई, तभी जीवन में ये सत्संग, जीवन में भगवान की कथा तभी सुनने को मिलता है। और किसी संतों को उपलक्ष्य करते हुए आना ये तो बड़ी भाग्य की बात है, क्योंकि हमारे जो बड़े गुरुदेव थे वो बहुत बड़े संत थे, वो इतने बड़े संत थे, वो महापुरुष इतने बड़े संत थे। स्वयं राधा रानी जब वृंदावन में गुरु जी रहते थे, जब कार्तिक परिक्रमा में राधा रानी सेवा कुंज गए ना वृंदावन में, कौन कौन वृंदावन गए हो, सब गए हो, वहां पर सेवा कुंज गए होंगे, वहां के पुजारी को ठाकुर जी स्वयं स्वप्न दिया, बोली जो नारायण गोस्वामी महाराज है ये मेरी सखी और मंजरी है, और मेरी प्रसाद और फूल की माला लेकर के गुरु जी को दे कर जाना। वो खुद पुजारी आ करके गुरु जी का जब बोले राधा रानी मेरे स्वप्न दिए, ये फूल माला प्रसादी अब ग्रहण करो, और राधा रानी खुद कहती है ये मेरी सखी मंजरी है, आप बड़े भाग्यवान हो। राधा रानी सबको स्वप्न नहीं देती, सबके लिए अपना प्रसादी और प्रसाद नहीं भेजते हैं, कहते आप बड़े भाग्यवान हो। इसलिए गुरु जी को पास में अगर कोई प्रसाद लेकर के आए ना, गुरु जी उनके लिए कुछ ना कुछ प्रणाम देते थे, खाली हाथ में नहीं छोड़ते थे, ब्रजवासी है तो गुरुदेव ने कुछ प्रणाम देने के लिए बोले, बोले उनको 1001 रुपया उनको प्रणाम दे दो। बोले गुरु जी हम सबसे लेते हैं लेकिन आपसे नहीं ले सकते हैं। बोले क्यों, बोले हमें राधा रानी ने स्वप्न दिया है आपको पास में, हमें राधा रानी ने आपको पास में राधा रानी ने भेजा है, इसलिए मैं आपसे कुछ ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। जिसको राधा रानी स्वयं जिनके लिए प्रसाद की माला और प्रसाद भेजे, आप समझो वो संत कितने बड़े हुए, जिनकी उपलक्ष्य करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इतने बड़े महान जो ब्रज विभूति संतों के उपलक्ष्य करते हुए यहाँ आए। इसलिए अगर किसी संतों को उपलक्ष्य करते हुए हम आते हैं, भगवान स्वयं कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय हरिदास ठाकुर नाम सुने, हरिदास ठाकुर जी के सुने है ना, जो दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, 1 लाख हरिनाम तो करते थे मन मन में, 1 लाख हरिनाम करते थे जो कि अपना कान तक सुनाई पड़े, और 1 लाख हरिनाम करते थे जोर जोर से, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसने पूछा गोसाई जी हमने सुना भजन मन मन में करते हैं, तुम तो चिल्ला चिल्ला करके दुनिया को मानो दिखा रहे हो, हम इतने बड़े संत चिल्ला चिल्ला कर क्यों जोर जोर से क्यों हरि नाम करते हो। उन्होंने क्या उत्तर दिया, बोले तुम बताओ एक व्यक्ति कमा कर खुद खाता है, एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ तो दोनों में बड़े कौन है, बोले जो पूरा परिवार को खिलाते हैं। इसलिए कहते जो मन मन में हरि नाम करता है उसका अपना कल्याण होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उच्च स्वर से हरि नाम करे, जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जानवर, ये कोई भगवान का नाम क्या ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं,
लेकिन जो ऊंचे स्वर से हरि नाम करते हैं इन्हीं के कानों में भी ठाकुर का नाम जाता है। कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, अगर उनको कान में अगर ठाकुर जी का नाम पड़ जाए ना उनका भी उद्धार हो जाएगा, उनका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए शास्त्र ने बताया भगवान के नाम करने से बोले सर्व रोग उपशमनम, जितने रोग सबके सब नष्ट हो जाता है। सर्व उपद्रव शमनम, जिस घर में हरि कीर्तन हो उसी घर में कोई भी दुख कष्ट नहीं आएगी। सर्व उपद्रव, जितने उपद्रव सब नष्ट हो जाता है। शांतिदम, भगवान के नाम से शांति मिलता है। सुखदम, भगवान के नाम से सुख मिलता है। सर्वारिष्टम, प्रभु का जो नाम करेगा ना तुम्हारी कोई जगत में तुम्हारी कोई शत्रु नहीं रहेगी, सब शत्रु तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। हरे नामानु कीर्तनम, हरि का नाम कीर्तन से इतने लाभ है। कदे गोकोटि कन्या ग्रहणे खगस्य, भगवान कहते हैं उदाहरण देते हैं जैसे सुमेरु पर्वत जैसे अगर किसी ने सोने किसको दान दे दे, कितने सुमेरु पर्वत जैसे किसको अगर कोई सोना दान दे, करोड़ों करोड़ों अगर गैया अगर किसको दान दे, एक तराज को ले लो, एक तराज को तरफ में एक कृष्ण नाम रख लो और दूसरे तरफ में सुमेरु पर्वत जैसे सोने की ढेर रख दो और करोड़ों गैया गोकोटी करोड़ों गैया दान कर दो तो श्री कृष्ण नाम को साथ में भी उसको बराबर नहीं कर सकते हो। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है, है? इसलिए उन्होंने बोले देखो जब उच्चे स्वर से हरि नाम करते हैं सबको कान में जाता है, सबका कल्याण होता है, है? तब उन्होंने श्लोक एक उद्धृत कर से पुराण से बताया। पुराण में बताए शास्त्र में बताया बताते हैं कि जब कोई उच्चे स्वर से हरि नाम करते हैं जब तो हरि नामान स्थाने सत्तो गुणाधिको, जो मन मन में हरि नाम करता है उसको जो फल मिलेगी, अगर कोई उच्चे स्वर से हरि नाम करता है तो 100 गुण ज्यादा, कितना गुण? 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा। क्यों? ये हरि नाम सबको कान में जाएगा। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे कोई एक पत्थर उठाओ, पत्थर उठा करके पानी में फेंको, उसमें क्या होगा बताओ? उसमें लहरी आएगी, उसमें लहरी आएगी, फिर देखना 2 बार लहरी 3 बार लहरी आएगी, है? कहते ठीक उसी तरह जब हम हरि नाम करते हैं ये सप्त ब्रह्म है, इसका जो आवाज है ना जितने दूर तक इसकी आवाज जाएगी उतना दूर तक मंगलमय कर देगा, उतना दूर तक क्या करेगा समस्त दुख कष्ट को दूर कर देता है, है? इसलिए महाप्रभु जब उन्होंने शरीर छोड़े स्वयं भगवान स्वयं जिनको शरीर को गोद में उठा करके ले गए, ठाकुर जी समुद्र में स्नान कराए। देखो जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है ना हम क्या कहते हैं उसको छूने से स्नान करना पड़ता है, करता है कि नहीं? यहाँ तक भी उनको साथ में जो जाते हैं उनको साथ में शमशान तक जाते हैं उनको भी नहाना पड़ता है। इसकी बात तो छोड़ दो घर में 13 दिन तक अपवित्र रहते कि नहीं घर में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देने पर इतने, लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं कहते संतों की कितने महिमा संतों की। जब महाप्रभु स्वयं श्री हरिदास ठाकुर जी को उनने गोद में उठा करके ले गए, जो समुद्र उनने स्नान कराया, बोले समुद्र क्या है? बोले पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ समुद्र में प्रवेश करता है, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गया गंगा समस्त नदी, कहते ये सबके सब ये समुद्र में प्रवेश करते हैं। बोले समुद्र को बताया सारे तीर्थ की समागम, लेकिन संतों की महिमा यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं जब हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ दिए, जब उनकी शरीर को समुद्र में स्नान कराया ना, भगवान खुद कहते हैं बोले समुद्र अभी तक तो केवल तीर्थ था लेकिन आज ये हरिदास ठाकुर जी की स्पर्श से शरीर छोड़ने का बाद जिस शरीर को छोड़ने पर स्नान करना पड़ता है, शरीर छोड़ने का बाद भी संतों की महिमा भगवान दिखाते हैं। जब तुमने ये शरीर को स्पर्श किया समुद्र में, कहते तीर्थ नहीं तू आज से सबसे बड़ा तीर्थ बन गया, महातीर्थ है लो। भगवान जिनको स्वयं ला करके समाधि देते हैं, हैं? और भगवान स्वयं ठाकुर जी स्वयं संत के लिए भीख मांगते हैं,
भीख कौन मांगता है? दरिद्र व्यक्ति भीख मांगता है। लेकिन भगवान स्वयं संत के लिए ठाकुर जी जहां जा करके जहां जगन्नाथ जी के चावल सब्जी दाल मिलता था, भगवान स्वयं झोली भिला मिला करके संतों के लिए ठाकुर जी स्वयं भिक्षा मांगते हैं और सबके भक्तों को बैठाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ठाकुर को भोग लगाते हैं ना, सबसे पहले ठाकुर को भोग लगा कर प्रसाद पाते हैं। लेकिन ठाकुर जी संतों की महिमा दिखा रहे हैं, बोले नहीं, आज मैं स्वयं सब भक्तों को खिलाऊंगा, मेरे जो भक्ति पूजा करते हैं ना है, आज मैं उनको स्वयं भोजन कराऊंगा। सब भक्तों को लाइन करके बैठा दिए, भगवान स्वयं क्या करते हैं, अपना हाथों में दाल चावल सब्जी है सबके सब अपना हाथों से महाप्रभु खिलाए। ठाकुर जी स्वयं अपना हाथों से खिला, क्यों? मेरे संत है जो दिन रात मेरे को याद करते हैं, मेरे को अपना हृदय से बैठा करके जो संत रखते हैं, इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं मत भक्त्या पूज्याध्याधिक सर्वभूतेश मनमति। मतलब क्या है? कहते मेरे से भी मेरे भक्तों का पूजा बड़ा बड़ा है। कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काग लाग पाओ, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिया बताओ। अगर भगवान अगर गुरु जी खड़े हुए तो किसके चरण में प्रणाम करनी चाहिए? कहते पहले प्रथम तो गुरु पूज्य, पहले गुरु जी के चरण में प्रणाम करो, उसको बाद में मेरी, नहीं तो तुम्हारी सब भजन नष्ट हो जाएगा, सब निष्फल हो जाएगा तुम्हारी है, पहले गुरु जी की। इसलिए भगवान लास्ट में सबको जो प्रसाद खिला दिया ना, देखो ठाकुर जी स्वयं क्या कहते हैं, बोले जो लोग ये संतों की तिथि में जो आए हैं, उनको साथ साथ में जो आए हैं और उनके तिथि के उपलक्ष करके जो प्रसाद भी पाए हैं और जो शरीर छोड़े उनमें जो समाधि में थोड़ी रेती भी दिया है, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ अचिरात उनको कृष्ण भक्ति प्राप्ति होगी, उनको भगवत प्राप्ति होगी, एक दिन मेरे धाम को आएंगे। इसलिए संतों की उपलक्ष्य करते हुए आप लोग जो आए हैं ना, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है, ठाकुर जी के आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर में। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई, पाप देही असंगत सोई। ये सत्संग में संतों के तिथि को उपलक्ष कर कौन आ सकता है? बोले अति हरि कृपा जा पर होई, बोले जिसको ऊपर में ठाकुर जी की अति, अति मतलब होता है विशेष कृपा अगर किसको प्रति हो, भगवान कहते पाप देही असंगत सोई, मतलब उसको ही ये संतों की तिथि। आजा किधर आ जाओ, प्रभु जी बैठ नहीं सकते, दीदी के पास में बैठा था, चार में बैठा था, थोड़ी 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 सी सरक जाओ वहां पर बैठा था। इसलिए कहते पाप देही असंगत सोई, जिसको ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा होना, हरे कृष्ण। तो आगे 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 और तो आगे, ठंड का समय में कोई दिक्कत नहीं। ये संतों का तिथि में कौन आ सकता है? बात मत करो। इसलिए कहते संतों की तिथि में कौन आ सकते हैं? कहते अति हरि कृपा जा पर हो, जिसको ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा हो। शंकर जी कहते पार्वती पाप देही असंगत सोई, तभी ये संत के समागम में भगवत कथा सुनने के लिए, संतों के चरित्र को सुनने के लिए तब भी कोई आ सकता है, नहीं तो सभी इसमें नहीं आ सकता है। जैसे देखो, जैसे सरिता दीदी, कहा है सरिता दीदी? आप दिख नहीं रहे, और ये इसलिए देखो एक उदाहरण दिया है। जैसे सरिता दीदी ने अपना घर में बोले आज गुरु जी की शतवार्षिक उपलक्ष में उत्सव रखेंगे, पता उसी उत्सव में कौन आए? उनने जिसको बुलाया, जिसको बुलाया वही आए। अगर इन घर को पास में अगर कोई हो, 9 इंच दीवार को पास में, अगर वो उसको निमंत्रण नहीं दिया होगा ना, कोई नहीं आया होगा। लेकिन कोई आली गांव से आए और कोई पास गांव से आए, कोई गड़ी से आए हैं, कोई नोएडा से भी आए, और कौन कौन आए? आनंदपुर से आए, कोई फतेहपुर से, कोई आनंदपुर से, कोई फतेहपुर से। हाँ, बोले क्यों आई है? बोले ये क्यों आई है? देखो ध्यान देखो, सब क्यों आई है? चुपके उसने उन्हें निमंत्रण दिया है, उन्होंने निमंत्रण दिया है, आओ आज घर में, आप गुरु जी की शतवार्ष तब भी आए दिए। इसलिए कहते हैं शंकर जी ये सत्संग में गुरु जी की तिथि में कौन आए हैं? बोले ठाकुर जी, जिसको निमंत्रण दिया। किसने निमंत्रण दिया? ठाकुर जी, जिसको निमंत्रण दिया वही यहाँ पर आए, सभी नहीं आ सकते।
इसलिए आप लोग के लिए ताली बजाओ कि ठाकुर जी तुम लोगों को निमंत्रण दिया है, हैं? और कोई स्टॉप कैलाश से आए हमारे पीछे, बेरी प्रभु जी, प्रेम लता जी, हाँ, अभी तो कृपा करके बिंदावन से आए, इसलिए आप आते तो भी आए सर, इसलिए ठाकुर जी की, हाँ, ठाकुर जी की जिसको ऊपर में विशेष कृपा है वही केवल ये सत्संग में आ सकता है, संतों की तिथि में आ सकता है। भगवान स्वयं वरदान दिया है, जो आएगा संतों की तिथि में उनको भक्ति और उनको प्रेम की प्राप्ति होगी संतों की आशीर्वाद से, ठीक है ना। इसलिए आज जिस महापुरुष की तिथि में हम लोग आए हैं वो बहुत बड़े महापुरुष थे, हैं? वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। अभी सुन रहे थे ना, राधा रानी जिनको स्वयं स्वप्न दे करके अपना प्रसादी और फूलों की माला जिनके लिए ठाकुर जी स्वयं राधा रानी भेजती है, फिर समझो ये संत कितने बड़े महापुरुष संत होएंगे, हैं? इसलिए जो संत लोग हैं बड़े दयालु आते हैं। बोले संसार में ये संत आते हैं क्यों? बोले ये संसार में संत क्यों आते हैं? इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, बोले संसार दाबा नल लीढ लोक त्राणाय कारुण घना घना त्वम प्राप्तस्य कल्याण गोनार्णव संत क्यों आते हैं? उन्होंने उदाहरण दिया है जो संसार नहीं ये दावा नल है। जैसे कई साधारण जगह में आग लग जाए ना, हम फायर ब्रिगेड में उसको बुझा देते हैं। अगर जंगल में अगर लकड़ी घिस करके अगर उसमें आग लग जाए तो देखना वो फायर ब्रिगेड काम करेगा नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। इसलिए हमारे संसार में भी देखना अपने आप लकड़ी जैसे घिस घिस कर आग लग जाते हैं ना, हमारे संसार में भी ऐसे ही आग लगा हुआ, सास बहू में आग लग जाती है, ससुर में बहू में आग लग जाती है, भाई भाई में, अपने आप देखना बिना कारण के भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो जाती है, बहू बहू में लड़ाई झगड़ा हो जाती है, पड़ोसी को साथ बिना कारण से जैसे जंगल में अपने आप लकड़ी घिस घिस कर आग लग जाती है ना, संसार में भी हमारे संसार में भी ऐसे आग लग जाती है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, तरह तरह के दुख कष्ट को भोग करते हैं, हैं? लेकिन ठाकुर जी कौन है? राधा रानी कृष्ण, वो एक रूप में हमारे पिता माता, तमेव माता च पिता तमेव, कौन है ठाकुर जी? अब देखना अगर बच्चे दुखी हो ना, देखना पिता माता कभी सुखी नहीं रहते, पिता माता कब सुखी रहते? बच्चों का खुश देख करके तब पिता माता भी खुश रहते हैं। अगर पिता माता खुश लेकिन बच्चे दुखी, पिता माता तो सुखी रहते हैं? दुखी रहते हैं। इसलिए हम किसके, हमारे असली पिता माता कौन है? ठाकुर जी। हमारे दुख कष्ट को देख करके भगवान कहते हैं भैया इनके कल्याण कैसे करो, उनको लाओ कैसे अपना पास में, असली घर का तो भूल गए और नकली घर को अपना सही घर मान दिया, असली परिवार को छोड़ दिए और नकली परिवार को अपना साथ में जोड़ दिया, जो एक दिन खत्म होने वाले है, एक दिन संसार से बिछोड़ने वाले। इसलिए नकली को छोड़ करके, असली को छोड़ करके नकली में उन्होंने जुड़ गए। इसलिए जब तक वो असली परिवार में नहीं जुड़ते हैं ना, जो सच्चिदानंद रूप आय, जो सत स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप भगवान है, इसलिए जब तक ये जीव प्रभु की शरण में नहीं आते हैं भैया, कभी भी ये संसार में सुख शांति हमें नहीं मिलने वाले है। इसलिए ठाकुर जी सोचते हैं इनको अपना घर तो ये भूल गए, नकली घर को घर बना दिया, असली पिता माता को भूल गए, फिर इनको लाओ कैसे? इसलिए क्या करते हैं, ये जो गुरु जी होते हैं, ये जो संत लोग होते हैं, कहते संसार दावा नल लीढ लोक, कहते ये संसार में जो जीव दुख कष्ट भोग करते हैं, इसलिए ठाकुर जी की जो कृपा ही, ठाकुर जी की कृपा ही एक मूर्ति रूप धारण करता है जो श्री गुरुपाद पद्म। बोले श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जयकार में आनंद नहीं आया, बढ़िया बढ़िया। इसलिए हमारे श्री गुरुपाद पद्म कौन है? राधा रानी की कृपा है, राधा रानी की मंजरी सखी,
उसने एक रूप धारण किया श्रील भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज रूप में रूप को धारण करते हुए इस जगत में आए और आकर के उन्होंने हरि भक्ति को जगत में प्रचार किया है, हैं? तभी हम लोग धीरे 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 एक दिन वो बैठे हुए थे नवद्वीप मठ में। कभी आप लोग गए होंगे नवद्वीप परिक्रमा में, कौन कौन गए? ये सब जा रही है गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, सब चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसलिए है, इसलिए वहां पर कभी गुरुजी बैठे हुए थे, किसी ने आकर के उनके गुरुजी हमारे जो महाराज के जो गुरुजी थे, तो उन्होंने पूछा गुरुदेव यहाँ पर इतने सिर्फ खाली बाग पड़ा हुआ है, इसमें कुछ फूल फूल क्यों नहीं लगा रहे? तो गुरुजी ने हमारे महाराज को दिखा करके बोले, बोले ये तो फूल है ना, ये तो असली फूल है, ये जगत का फूल कब तक खिलेगा? दो तीन दिन बाद में ये फूल सूख जाएगी, सूख जाएगी। इसका खुशबू भी कितना दूर जाएगा? थोड़ी दूर तक जाएगी, दो चार दिन में सूख जाएगी। लेकिन गुरुजी इनको पलट करके बोले, जो ये फूल है कौन? श्री भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी, ये जो फूल जो खिलेगा ना, इसका खुशबू केवल भारत में नहीं, इसका फूल खुशबू संपूर्ण पृथ्वी में जाएगी। अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, है संपूर्ण पृथ्वी में इसकी खुशबू जाएगी। और एक दिन जैसे फूल खिलने पर भौरा क्या करता है? आकृष्ट होकर के आकर के बैठ करके मधु को पान करता है। इसलिए एक दिन ये नारायण गोस्वामी महाराज की फूल ऐसे खिलेगा संपूर्ण पृथ्वी से कितने जीव इनके प्रति आकृष्ट होकर के आएंगे और ये मधुर रस को पान करेंगे। इसलिए ताली बजाओ इनके लिए महाराज। इसलिए फूल के ऊपर एक बार मैं गुरुदेव के प्रोग्राम में गई थी, पूज्य पाद हमारे रामचंद्र प्रभु जी कहने लगे की पुष्पांजलि देने आए हो, अच्छे अच्छे फूल पसंद है गुरुदेव को। तो मुझे मेरे मन में आया कि अच्छे अच्छे फूल पसंद है गुरुदेव को। मैंने कि कौन से फूल पसंद है गुरु जी? जैसे तू फूल है, मतलब कि उनको शिष्य है, फूल असली वो है जो दिन पर दिन खिले। माजी मैंने उसी दिन से गांठ बांध ली गुरुदेव के चरणों में, रोज फूल चढ़ाऊ, रोज फूल चढ़ाऊंगी। ताली हो जाओ दीदी के लिए। सचमुच से जो सरिता दीदी है ना, सचमुच से सरिता दीदी बहुत परिश्रम की है। जिनको जिनके जीव में तुम लोग जुड़ करेंगे ना, हाँ मेरे पास में भक्त लोग लाते हैं, मेरे पास में भक्त लोग को लाते हैं, हैं हरिनाम दिलाने के लिए। लेकिन सरिता दीदी ने जितने भक्तों को लाई है ना, और किसने अभी तक इतने कितने किसने इतने शिष्यों को नहीं लाए, ये सरिता दीदी ने घर घर में जाकर के प्रोग्राम करके जितने भक्तों को लाई। सचमुच से ये नई नई फूल, सचमुच से गुरुदेव के चरण में ये नई नई फूल चढ़ाते। और एक बार ताली बजाने के लिए, अगर 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 तुम लोग है ना, अगर तुम लोग ऐसे अगर सरिता दीदी जैसे एक फूल बन जाओगे ना, बस तुम्हारी जो गुजर, सचमुच से तुम जो गुजरी है ना, गुजरी मतलब क्या? गुजरिया खोल खिवरिया तेरे घर में आया हूँ। कौन? कृष्णा। कृष्ण गुजर है, हैं? गुजरिया मतलब गोपियों घर में कहीं आते हैं, हैं? बोले तुम्हारी घर में आए हो, इसलिए क्या बोलो मेरे को, बैठी बैठी मक्खन खिला दे, रोटी और मक्खन खिला दे। इसलिए कि तुम लोग गुजरी हो, समझ रहे हो, गोपी है, तुम लोग गोपी हो, गुजरी हो। इसलिए मैंने कहीं और कहीं गया था, किसने बोले हम जादव है, क्या है हम याद, हम कृष्ण का वंशधर है, इसलिए हम बड़े हैं, हम लोग बड़े हैं। मैंने कहा देखो, तब वो उन्होंने बोले नहीं, केवल हम ही कृष्ण का वंशधर। बोले नहीं, कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं कृष्ण गुजर है, कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं कृष्ण गुजर है, लेकिन वही कृष्ण जब मथुरा और द्वारका में जाते हैं फिर वहां पर जादव बनते हैं। यही कृष्ण ही वृंदावन में गुजर है और मथुरा में द्वारका में जादव है, लेकिन बड़े कौन है? वृंदावन के कृष्ण। हाँ, वृंदावन के कृष्ण है। इसलिए तुम लोग जो गुजरी है ना, राधा रानी की सखी तुम लोग हो, और सचमुच से अभी धीरे 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 तुम लोग राधा रानी की जो सखी है, सचमुच से धीरे धीरे कंठी माला तिलक लगाए ना, हम लोग सब गोपी जैसे लग रहे हो, सबका सब कृष्ण की असली गोपी। ताली हो जाओ तुम लोग, असली गुजरी अभी बन रहे हो,
अभी कृष्ण भगवान की कृष्ण भक्ति में आकर के असली गुजरी बन रहे हो। इसलिए हमारे जो गुरु पाद में है कहते ये, इसलिए हम एक श्लोक को बताते हैं, महाकुंती कहती हैं, बोले कृष्ण जिसको पास में एक गुण हो जाएगा ना वो तेरे भजन नहीं करेगा, अगर जिसको पास में चार गुण आ जाएगा तो तेरा कभी भक्ति करेगा नहीं तेरा। बोले वो चार चीज क्या है, बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेदमान मद पुमान। स्वयं कौन कह रहे, कृष्ण कुंती स्वयं कृष्ण को कह रहे हैं, जिसको पास में बड़े घर में उच्च कुल में जन्म हो जाए, बड़ा अहंकार आ जाता है, अरे हम इतने बड़े ब्राह्मण चतुर्वेदी त्रिवेदी हम इतने बड़े कुल में जन्म हुए हैं, ऐश्वर्य अगर थोड़ी ज्यादा पैसा आ जाए, देख ना साधु संघ में नहीं मिलेंगे, जहां पर जुआ की अड्डा खाना होगा शराब के अड्डा खाना देखो वहीं पर बैठे हुए मिलेंगे, सारे गप्पे मारते हुए मिलोगे, लेकिन सत्संग में नहीं आएंगे वो लोग। हाँ, लेकिन जिसको पास में पैसा है अगर सत्संग भक्ति करते हैं, इसका मतलब है ठाकुर जी की बहुत बड़ी उनको पर कृपा है, ठाकुर जी की बहुत बड़ी उनको पर कृपा है जो भगवान की भक्ति में वो आए हैं। इसलिए बोले जन्म, बोले ऐश्वर्य, बोले श्रुत, श्रुत मतलब क्या है ज्ञान, अगर थोड़ी ज्यादा लिखाई पढ़ाई कोई सीख जाए ना, अरे हमें सब भक्ति भक्ति करने का क्या जरूरत है, हमारे पास में क्या ज्ञान के अभाव है, हम सब जानते हैं, हम सब सुनने पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अरे स्त्री, श्री मतलब होता है सुंदरता, श्री मतलब होता है, अरे बैठो ना कथा सुन रहे हैं, भगा रहे क्यों नहीं, तो देखो इन लोगों को थोड़ा इधर उधर कर दो, थोड़ी थोड़ी माताएं बीच बीच में खाली जगह मत रखा करो। बोले श्री गुरु पाद पद्म की, इसलिए जन्म ऐश्वर्य श्रुत स्त्री, स्त्री मतलब होता है सुंदरता, जैसे थोड़ा हीरो हीरोइन जिसका थोड़ा चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए हैं, उनका भी बड़ा अभिमान आ जाता है, अरे भक्ति भक्ति करने का क्या जरूरत है। लेकिन अगर विचार करके देखोगे ना, हमारी गुरु जी के अंदर में ये चार ही गुण परिपूर्ण रूप में था। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, वहां पर कथा करके आया गुरु जी के गांव पर, वहां पर गुरु जी की जन्म महोत्सव को उपलक्ष्य करते हुए हम लोग ने वहां कथा करके आए हैं। गुरु जी का जन्म कहाँ पर, बोले उनकी बक्सर है, वहां पर तिवारी गांव है, हैं तिवारी गांव है जहां पर केवल ब्राह्मण ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण, और ये तिवारी और ब्राह्मण घर में जन्म हुई। ब्राह्मण भी देखना छोटे और बड़े होते हैं, ब्राह्मण भी छोटे बड़े होते हैं। बोले गुरुदेव का जो जन्म हुआ है ना ब्राह्मण घर में और उच्च ब्राह्मण कुल में, छोटे मोटे नहीं, उच्च ब्राह्मण घर में गुरु जी की जन्म, और वहां पर दिखाए गुरु जी की कितने प्रॉपर्टी था, वहां पर दिखाए गुरु जी की कितने जमीनी जगह, वहां पर जितने अक्सर करके वो गांव में, माता जी बात मत करो, ए चुपचाप बैठो, जो आएगा पीछे बैठ जाएगा, बात एकदम यहाँ पर बैठ बात मत करो, गुरु जी की इतने जमीन वहां पर जितने जमीनी जगह दिखा रहे थे ना सर गुरु जी, ए कितने लंबे तक गुरु जी की ये है। इसलिए उनका जो जन्म हुआ, फिर हम दर्शन करने के लिए आसपास में गए थे, वो स्थान कौन सा स्थान है, जब राम लक्ष्मण सीता का वनवास हुआ था वहीं पर गुरुदेव रुके थे, गुरुदेव का जन्म वहीं पर हुआ, जहां पर विश्वामित्र का आश्रम में हम गए थे, विश्वामित्र जी की आश्रम पर जहां पर विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे भजन करते थे। विश्वामित्र कौन थे, भगवान राम के जो गुरुदेव है, भगवान राम के जो गुरुदेव है कहते उनकी जन्म स्थान जहां पर भजन करते थे, फिर जहां पर ठाकुर जी अहल्या को उद्धार किया था, हम गए थे वहां पर, जहां पर उन्होंने अहल्या को जहां पर उन्होंने ठाकुर जी उद्धार किए वहां पर, और वहां पर देखा और जगह भगवान वामन थे, वामन देव का स्थान हम गए थे वहां पर, सब जगह पर हमने फटो उठा कर ना वहां के बारे में बता बता कर हमने भेजा था, हम लोगों ने यहाँ पर आए गुरु जी के जन्म स्थान पर आए, हाँ ये अमुक स्थान गुरुदेव यहाँ पर, और वहां पर एक गंगा है, बोले 3 किलोमीटर, गुरुदेव इतने बढ़िया तैरना जानते थे, बोले इधर से पूरा उधर, उधर से उधर, उनको जो जो भाई का जो बेटा, बोले गुरुदेव इधर से उधर और उधर से उधर, गुरुदेव पूरा तैर करके पार करते थे गंगा नदी को, और जिस कॉलेज में गुरुदेव पढ़ते थे वो कॉलेज में भी हम लोग गए थे, स्कूल में भी गए थे हम लोगों ने, बोले जहाँ पर गुरुदेव रोज वहां पर आकर के गुरुदेव पढ़ाई करते थे जहाँ पर गुरुदेव, इसलिए वहां पर बहुत अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थान हैं, कभी आप सबको एक बार ले जाएंगे,
ठीक है, एक बार ले जाएगी गुरु जी की स्थान पर ले जाएगी। इसलिए कहते, इसलिए गुरु जी का जो जन्म स्थान है ना, जहां पर उन्होंने ताड़का को वध किया था, वहीं पर ताड़का को भगवान जाते समय उस तारीख स्थान वहां पर गए थे जहां पर भगवान ने ये ताड़का को मारे, वो स्थान भी हम लोग गए थे जहां पर जिस स्थान पर मारे थे। इसलिए वो स्थान अत्यंत अत्यंत वो पवित्र स्थान पर गुरु जी की जन्म हुआ है श्रेष्ठ। और कहते थे गुरु जी जो खिलाड़ी में ना इतने बड़े सुंदर गुरुदेव खेलते थे, फुटबॉल बैडमिंटन सब खेलते थे। दो पार्टी होता था जिसमें हमारे महाराज जी जिस पार्टी में चले जाते थे ना, बोलते भैया यही जीतने वाले, दूसरे पार्टी हारने वाले, क्योंकि इस तरह में उनका बचपन का नाम भी नाम गुरुदेव ने नारायण नाम रखा है, इसलिए उनका परिवार का नाम नारायण नाम रखा उस समय में। इसलिए बोले यही पार्टी जीतेगा क्योंकि उसमें यह नारायण तिवारी है। इसलिए गुरुदेव का जो जन्म स्थान है उच्च ब्राह्मण घर में, फिर उच्च परिवार में, समृद्ध वंश में, फिर भगवान की लीला स्थली में गुरुदेव ने जन्म ग्रहण किया। इसी चीज का समझो गुरुदेव कितने महिमा श्री गुरुदेव की। और जन्म उसके बाद में बोले जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब होता है पैसा। उस समय गुरुदेव पुलिस अफिसर थे, गुरुदेव पुलिस अफिसर थे गुरुदेव हैं, आपको पता होगा अगर कोई पुलिस अफिसर हो जाए कितने पैसे आता है। नहीं मांगने पर भी अब देखना, नहीं मांगने पर भी क्या करते हैं, अपने आप रिश्वत देकर लोग चले जाते हैं, हमारी ये काम बन जाए, हमारी ये काम बन जाए। नहीं चाहने पर भी गड्ढे के गड्ढे पैसा फेंक करके लोग चले जाते हैं, नहीं हमारी ये काम हमारे बन जाने चाहिए। इसलिए उनको खेती बाड़ी पैसा में किसी चीज में गुरु जी की अभाव नहीं था, किसी चीज में अभाव नहीं था। इसलिए गुरुदेव का परिवार जो जन ये है, गुरुदेव एक्चुअली बोल रहे थे, गुरुदेव डायरेक्ट तो बोले नहीं, इनडायरेक्ट रूप में बोले। गुरुदेव बोले एक समय गुरुदेव जो पुलिस में काम करते थे, अगर कोई साधु संघ अगर कोई संत आते है ना कहीं सत्संग करने के लिए, बोलते मैं जरूर पहुंचता था, सत्संग सुनने के लिए जाता था, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। जब तक ठाकुर की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में सत्संग में नहीं मिलता है, और बगैर सत्संग के जीव का कल्याण भी नहीं होता है, जीव का मंगल भी नहीं होता है। इसलिए कहीं संत कोई आए थे, मैंने चला गया ड्यूट में, चला गया जब ड्यूट में चला गया, लेकिन उस दिन बाई चांस किया हुआ, ध्यान देकर सुना, उस दिन बाई चांस किया होगा, जो बड़ा पुलिस ऑफिसर था गुरु जी से, वो चेकिंग करने के लिए आया कि लोग सही सही ड्यूट देते कि नहीं, लेकिन गुरुदेव तो सत्संग में गए हुए थे। लेकिन जब उन्होंने आया, ठाकुर जी स्वयं, क्योंकि ये सत्संग में गए हुए थे, हाँ ये सत्संग में गए हुए थे, उसी समय स्वयं ठाकुर जी आकर के उनको स्थान पर ड्यूट दे रहा था, वो दूर से पुलिस ऑफिसर देख रहा था, ये गुरु जी स्वयं ये बात बताए थे, पुलिस ऑफिसर चेकिंग कर रहा था कि ड्यूट दे रहे कि नहीं, कि गुरुदेव तो सत्संग में गए हुए थे। इसलिए वहां पर देखा ठाकुर जी स्वयं क्या कर रहे थे, अंदर में आ जा बच्चा, कथा सुनो कुछ ज्ञान मिलेगा, बाहर क्यों घूम रहे हो। इसलिए क्या देखा, गुरु जी का स्थान पर गुरु जी का रूप धारण करते हुए और एक व्यक्ति इतने बढ़िया से ड्यूट दे रहा था ना, इधर जा रहा था उधर जा रहा था, एकदम सिंसियर रूप में ड्यूट दे रहा था। दूर से पुलिस ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया था, बोले ये तो बड़े अच्छा आदमी है, ये तो बड़े अच्छा आदमी, बड़े बड़े सिंसियर आदमी और बड़े दायित्व पूर्वक ये अपना काम करता है। तो उन्होंने सोचा इनको जो नारायण तिवारी को इसका जो पोस्ट है ना, ये अच्छा काम कर रहा है, इसका पोस्ट और थोड़ा ऊंचा पोस्ट दे दे इसको, क्योंकि ये काम को सही सही संभाल रहा है। गुरुदेव गए थे सत्संग में, जब गुरुदेव आए आखिरी को उनको पता चला बड़ा पुलिस ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया था। गुरुदेव सोचे तो मैं गया था तो सत्संग में, मैं तो सत्संग में गया था, अभी लगता है नौकरी चली जाएगी। लेकिन गुरुदेव जब डरते डरते गए और गुरुदेव जाकर खुद सच बात बोले, गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे हैं। जब उन्होंने सत सत बताए, मैं कल कहीं सत्संग में चला गया था, मैंने सुना कल आप चेकिंग करने के लिए आए थे, मैं नहीं था इसलिए माफ कर देना। और पुलिस ऑफिसर कहते बोले क्यों, कल मैंने देखा तुम तो बड़े सिंसियर रूप में बढ़िया रूप में तुम ड्यूटी दे रहा था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इतने सिंसियर व्यक्ति जो दायित्व को अच्छे तरह से निभाते, पोस्ट थोड़ा ऊंचा पोस्ट दे दूं, इसलिए मैं चाहता तुमको ये पुलिस ऑफिसर बना दूं। गुरुदेव तो अक्के बक्के चक्के रह गए, हैं ये अक्के बक्के चक्के रह गए, जे देखो
मैं तो था नहीं और ये कहते मैं ड्यूटी दे रहा था, लेकिन वो सत्संग करते ना उनको ज्ञान है, उनको पता है। क्या पता उनके, भगवान खुद कहते हैं अनन्य। भगवान क्या कहते हैं, जो मेरे तरफ जो एक कदम बढ़ाता है ना, मैं उसको प्रति 10 कदम बढ़ाता हूँ। कितना कदम बढ़ाता हूँ? 10 कदम बढ़ाता हूँ। है इसलिए कहते, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तो नचाते नहीं। भगवान क्या नहीं करते भक्त के लिए, भगवान भक्त के लिए सब कुछ ठाकुर जी करते हैं। अरे गुरु जी बोले मैं रोने लग गया, ठाकुर जी आज मेरे रूप धारण करते हुए ठाकुर जी आकर ड्यूटी दिया मेरे लिए। उसको बाद में गुरु जी ने स्थिर किया था और घर में नहीं रहना मेरे को, हमें तो संत बनना है। इसलिए कितने उम्र में उन्होंने संत बन जाते हो, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु 24 साल उम्र में जैसे उन्होंने घर बार छोड़ करके उन्होंने महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया। गुरुदेव भी एकदम उम्र जो था एकदम पूरा जवानी, पत्नी थी नहीं कि ब्राह्मणी, पहले तो पहले पहले शादी हो जाती ना, पहले तुम्हारे जैसे गुजर घर में जल्दी जल्दी शादी करा देते हैं, ये बहुत अच्छी चीज समझो, बुरा चीज नहीं है, ये बड़ी जल्दी शादी कर देना बेटियों को बहुत अच्छी चीज है, हैं? समय रहते हुए बचपन में उनको बागदान कर देते ना, तुम्हारी बेटी हमारे बेटा में शादी हो जाएगी, बड़े होने पर ऐसे कर देते ना, उसको दिमाग की चीज बैठ जाती थी, मेरे पति है ये मेरी पत्नी है, पहले से ही बैठ जाती थी। और बस थोड़ी सी सियानियां होते ही बड़ी होते ही उसको क्या करते, जा अपना घर को संभालो, अपना घर गृह से तुम देख लो। इसलिए क्या होता था, परिवार टिकता था रहता था, लेकिन जब बहुत बड़ी हो जाते हैं इधर उधर गड़बड़ी हो जाते शादी बात पर डाइवोर्स के फिर कारण आ जाते, फिर डाइवोर्स के ये आ जाते हैं। इसलिए पहले गुरुदेव ने शादी पहले पहले करा देते थे, इसलिए गुरुदेव के 2 बच्चे भी थे, गुरुदेव की 2 लड़कियां थी, छोटी छोटी लड़कियां थी, 24 साल उम्र समझो छोटी छोटी लड़कियां थी, लेकिन उसी समय में भी गुरुदेव ने सब कुछ छोड़ करके गुरुदेव ने कहां पर आए, अपना गुरु जी का स्थान पर आए। जब गुरु जी का स्थान पर आए, और एक आश्चर्य बात है, जो गुरु जी है ना वो साधारण नहीं होते हैं। कितना गुकार अंधकार तो रुकार तस्य निरोधक, गुरु मतलब क्या है, हमारे हृदय के अज्ञान को जो दूर करके जो दीप आलोक को जो संचार करते, ये गुरु जी का काम है। देखो क्या हुआ, गुरुदेव आए कहां से, बिहार से नवद्वीप में आए। पहले तो बहुत अवस्था खराब थी, मतलब पहले स्टेशन में कोई लाइट वाइट कुछ नहीं हुआ करता था, स्टेशन में कोई लाइट नहीं होती थी। इनकी जो गुरुदेव थे महाराज का जो गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, एक हमारे जो भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज इनके जो बड़े गुरु भाई, उनको स्वयं भेज दिया, एक तिवारी नारायण तिवारी वो आ रहा है, तुम जाओ उसको स्टेशन से ले आना। जब गुरुदेव जब नवद्वीप में सुने थे यहाँ पर मंदिर है आ रहे हैं, लेकिन गुरुदेव जो उतरे ना हो गया था रात, उनको पता नहीं था मंदिर कहाँ पर है, जाना कहाँ पर। लेकिन जब उन्होंने ट्रेन से उतरे ना, एक व्यक्ति जोर जोर से कह रहा है, यहाँ नारायण तिवारी कौन है, तिवारी जी कौन है। गुरुदेव बोले तिवारी जी कौन, मेरे नाम को कौन तिवारी, गुरुदेव तिवारी है ना ब्राह्मण है। बोले भैया मेरे नाम को कौन बुला रहे, मैं तो कुछ जानता नहीं, अरे मैं आ भी रहा हूँ किसको बोला ही नहीं, ये तिवारी तिवारी कौन बोल रहा है। गुरुदेव बोले मैं तिवारी। बोले गुरुदेव आपको लेने के लिए भेजे। बोले मैं तो गुरु जी के पास में कोई पत्र लिखा है नहीं, भेजा है नहीं, उन्होंने कैसे मेरे को, बोले गुरु जी तो मेरे को बोले जाओ एक तिवारी आएगा, तिवारी बोले नारायण तिवारी आएगा लेकर के आ जाओ। गुरुदेव बोले रोने लग गए, देखो गुरुजी कैसे हृदय की बात को गुरुदेव जानते हैं, और मेरे को लेने के लिए गुरुदेव कैसे आए। इसलिए उनके लेने के लिए जैसे आए ना, इसलिए जिस दिन भक्ति बामन गोस्वामी महाराज जिस दिन उन्होंने शरीर जब उन्होंने जन्म हुए ना, उसी समय में उसी दिन भी इनका तिरुभाव, मतलब इन्होंने भी शरीर छोड़े, एक दिन में ही इनका 2 तिथि एक दिन में ही है, एक दिन में ही दोनों ने एक एक का जन्म तिथि है और एक तिर्भाव तिथि है, एक दिन में जो नुका ही है। इसलिए कहते जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब पैसा, जिन्हें घर में पैसा की कोई कमी नहीं था जिनके घर में, और उन्होंने 26 साल भरी जवानी में उन्होंने घर छोड़ करके जब मंदिर में आ गए ना,
आपको पता होगा तुम्हारी अगर एक बेटा साधु बन जाए क्या करोगे, पर गांव लेकर पहुंच जाओगे गांव लेकर पहुंच जाओगे, हमारे बेटे को तुमने बुद्धि खराब होकर बाबा बना दिया है, बड़े होकर घर गृह संसार संग्रह तो बाबा कैसे बना दिया, पहुंच जाओगे ना पूरा पूरा परिवार पूरा गांव आ गया, क्यों शादी नहीं होता तो कोई बात, शादी हुआ पत्नी एकदम जवानी पत्नी है, इनकी उम्र 24 साल और क्या होगा और एक दो साल कम होगा और दो छोटे छोटे बच्चे हैं और इसी उम्र में छोड़ करके अगर घर जाए आप बताओ क्या होगा, हे पूरा गांव उम्र करके आ गया है मंदिर में, कैसे उनको बाबा कैसे बना दिया आपने, इनके घर गृहस्थी बच्चे है कैसे पूरा आओगे गाँव वाले, फिर इनको लेकर चले गए, जो लेकर के चले गए फिर उन्होंने घर में गए और जो पत्नी है ना रात भर पत्नी को उन्होंने ठाकुर जी कथा सुनाई, घर में जाकर पत्नी की कथा सुनाई, बोले देखो ये जो संसार में जो हमारे संबंध है वो एक धर्मशाला के संबंध है, अब देखना जैसे धर्मशाला में जाकर रुको है ना अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आते हैं, रात में बैठते खाते गप्पे मारते हैं, तुम कहाँ से आए, बोले गढ़ी से आए, बोले तुम कहाँ से, बोले आलीगंज से, तुम कहाँ से आए, बाहर से आए है, रात में बैठ गप्पे मारते हैं, लेकिन सवेरे होते क्या होता है, सवेरे होते ही सब चले जाते हैं, ये संसार ठीक वैसे ही एक धर्मशाला में हम इकट्ठे हुए हैं, तो मेरी पत्नी हो मैं तेरे पति हो, शरीर दिया है ये मानव शरीर ठाकुर जी दिया तो किस लिए, ठाकुर जी ये मानव शरीर हमें दिया है उनको भजन करने के लिए दिया है, क्योंकि इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति करके हम संसार से पार हो सकते हैं और किसी जीवन में नहीं, खाना पीना सोना घर गृहस्थी तो हर जीवन में होता है, जानवर क्या करता नहीं देखो, हर जानवर खाता पीता सोता करता है कि नहीं, हर जानवर भी करते हैं, लेकिन ये जीवन का जो मूल मकसद है, ये जीवन का जो मूल कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, केवल भगवत प्राप्ति, खाना पीना सोना ये गधे कुत्ते सुअर भी कर रहे हैं, वो भी 10-10 बच्चे जन्म दे करके एक एक महीना में पालन करते हैं, कुत्ते को देखा 3-4 बच्चे दे करके एक महीना में होनहार कर छोड़ कर, उन्होंने रात भर पत्नी को समझाया, ये जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, अगर जीवन में भगवत प्राप्ति अगर तुम्हारी हो गया तो समझना तुमने सारी कर्तव्य तुमने पूरी कर दी, अगर संसार का सारे कर्तव्य तुमने पूरी नहीं की, सारे संसार का सारे कर्तव्य तुमने पूरी कर ली लेकिन जीवन में प्रभु का भजन नहीं किया ना, लास्ट में देखो जीरो गोल आलू मिलेगा, तुम लोग भारतीय हो देख लेना मरते समय क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, राम नाम सत्य, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही सुनाते कि नहीं, किसको सुनाते हैं, ऊपर जो लेटा हुआ व्यक्ति को सुनाते, बोले बेटा जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ इधर उधर इकट्ठे किए हो एक सुई धागा भी तेरे साथ में यहाँ से नहीं जा रही है, पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक चलेगी, परिवार शमशान तक, उसको आगे तुम्हारी कोई काम में आने वाले नहीं, आगे क्या काम आएगा, बोले पायो जी मैंने राम रंजन धन पायो, जितने भजन करे वही चलेगा नहीं तो सब जगह में सभी खुब आयो, उन्हें रात भर अपना पत्नी को महाराज जी रात भर पत्नी को गुरुदेव कहते मैंने समझाया, भगवान की कथा सुनाया, वो भी अच्छी संस्कार ब्राह्मण घर के बेटी थी, उसकी भी अच्छी संस्कार थी, इसलिए उन्होंने बताया देखो कोई चिंता मत करो हमारी जमीन की कोई कमी नहीं, बहुत गुरु जी की हम गए थे ना देखने के लिए, गुरु जी को बहुत सारी जमीन गुरुदेव की, वहां पर बहुत बड़ी बाग है, उसको गुरु जी का ही बाग है, बहुत बड़ी जमीन है, बोले कोई चिंता की बात नहीं, और उनके भाई लोग भी थे, तब उन्होंने को समझाया, तब उन्होंने बोले ठीक है, क्योंकि जिस वंश में गुरुदेव समझाए, बोले जिस वंश में एक व्यक्ति संत बन जाता है, ये भगवान खुद कहते हैं बोले कुलम पवित्रम, बोले उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, बोले जननी कितार्था, जो पिता माता बच्चे को जन्म देते हैं पिता माता का जीवन धन्य हो जाता है, बोले नृत्यन्ति स्वर्गे पितरी पितरे साम, जो पूर्वज लोग चले गए जो वंश में एक व्यक्ति प्रभु की भजन करता है वो नाचना शुरू कर देते हैं, हमारे कितने भाग्य है हमारे वंश के व्यक्ति हरिनाम कर रहे हैं, बोले वसुंधरा वसतिष्ठ धन्य, नरसिंहदेव कह रहे हैं जिस पृथ्वी पर वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है पृथ्वी भी धन्य हो जाती है, एक अगर घर से संत अगर कोई बन जाए, तुम लोग जैसे हरिनाम कर रहे हो ना गले में कंठी तिलक माला, तुम्हारे जितने पूर्वज लोग हैं स्वर्ग में नाचते होंगे,
हमारे कितने पुण्य हमने कर्म किया जो कि हमारी वंश के व्यक्ति तिलक घंटी कंठी धारण कर रहे हैं। इसलिए पुराण में कथा आया है, एक व्यक्ति नरक में गया और उसको टाटी पेशाब कुंड में गले पकड़ कर डुबो रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति हा 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 कर घस रहा था। किसने कहा भैया तेरे को यह दंड दिया जा रहा है, तू हंस क्यों रहे हो? बोले जो कुछ करना कल तक, कल से नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? बोले हमारी वंश में एक व्यक्ति कल से हरि नाम करेगा, गले में कंठी धारण करेगा, हरि का नाम जप करेगा, जो कुछ करना आज कर दे, कल से नहीं कर सकते तुम। मतलब इतने महत्व, इसलिए कृष्ण कहते हैं जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर जन्म। कृष्ण खुद कहते हैं हे अर्जुन तस्य मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। ये हरि का नाम कौन जप कर सकता है? कृष्ण खुद कहते हैं जो पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने भगवान की अर्चन पूजा, एक जन्म नहीं 100 जन्म तक जिसने किया, तब भी इसी जीवन में कोई हरि का नाम कर सकता है। इसलिए तुम लोग जो हरि नाम कर रहे हो ना, साधारण मत समझो, करोड़ों करोड़ों जन्मों का तुम्हारी सौभाग्य से इस जीवन में हरि का नाम को तुम, हरि का नाम को तुम कर रहे हो। साधारण भाग्य से हरि का नाम कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना? इसलिए गुरुजी अपना पत्नी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात भर भगवान की उन्होंने कथा सुनाई, ठाकुर जी की रात भर उन्होंने कथा सुनाई। कथा सुना करके उनका परिवार के लोग बोले ठीक है बेटा तू जाओ तुम भगवान की सेवा करो, भगवान की संत बनो, भगवान की भजन करो, ठीक है हो चल जाएगा तुम बैठो। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े भाग्य से की, जाओ तुम जाओ भजन करो, अपना भक्ति करो, अपना भजन करो। गुरुदेव कहते हैं फिर मेरी पत्नी रात भर मैंने पत्नी की कथा सुनाई और सवेरे होते ही पत्नी स्वयं राजी होकर बोले ठीक है आप जाओ, मैं बच्चों को पाल लूंगी, बच्चों को मैं पाल लूंगी और ये घर गृहस्थ में देख लूंगी। पत्नी ने स्वयं आदेश दिया, प्रदान किया। तो गुरुदेव ने फिर सबको समझा बुझा कर गुरुदेव आए। इसलिए कहते जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब होता है क्या है, पैसा। श्रुत मतलब क्या होता है, ज्ञान। इसलिए अब लोग तो गुरुदेव को देखे नहीं। मैंने जब जगन्नाथपुरी में था, मेरे बचपन से ही एक उत्साह रहता था, हाँ हमारे जो गुरुदेव चले गए संसार छोड़ करके, मेरे मन में इच्छा रहती थी, मेरे मन में बड़ी इच्छा है हम भगवान की कथा सुनाए, ठाकुर जी की कथा सुनाए। अभी कौन है जो कि भगवान की कथा को सुनाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं? मेरे को पता चला एक बहुत बड़े संत रहते हैं। बोले कहाँ पर? बोले मथुरा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मथुरा में रहते हैं, जो बच्चों को श्लोक सिखाते हैं, खड़े होकर के उनको हरि कथा सिखाते हैं, बच्चों को अपना बच्चे जैसे प्यार दे करके बच्चों को, वो बच्चों को स्नेह करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। मैंने कहां पर, जो जगन्नाथपुरी में था, मैंने ये बात को मैंने सुना था, हैं? सुन करके फिर मैंने मथुरा में आया। कहां पर आया? श्री गुरु जी की चरण में आई। बोले श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा। नारायण गोस्वामी महाराज की। इसलिए मैंने ये बात को सुन करके ना, और मैंने कहां पर आया, मैंने मथुरा में आया। जब मथुरा, ध्यान देकर सुनो, जब मैंने मथुरा में आया ना, देखा सचमुच से गुरुजी के हृदय इतने उदार था, गुरुजी के हृदय इतने उदार था, गुरुजी के हृदय जो सोच भी नहीं सकते, इतने उदार हृदय के वो संत थे, हैं? इसलिए इनके हृदय है ना, वो कभी नहीं बोलते थे भैया उसका शिष्य है, उसका शिष्य, वो उसका शिष्य, वो कभी नहीं बोलते थे। उनको पास में जो आ जाए ना, जैसे हम उदाहरण, जैसे जीव गोस्वामी है, इनको पास में नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, ये तीन व्यक्ति आए, और ये कोई भी जीव गोस्वामी का शिष्य नहीं थे, लेकिन जीव गोस्वामी सबको उन्होंने पढ़ाया, सबको उन्होंने हरि कथा सिखाया, और सिखा करके उन्होंने सर्वत्र उनको हरि कथा प्रचार करने के लिए भेजा। उसी तरह मेरे तरफ देखो, इसलिए उसी तरह हमारे जो महाराज भी, इनको पास में कोई भी आए ना, गुरुदेव ये मेरे तेरे उन्होंने नहीं किया, गुरुदेव सबको उन्होंने सिखा दिया, भक्ति की सिखा दिया, और उन्होंने सबको कथा बोलने की सुजोग देते थे। लेकिन जो चीज हम और कहीं देखा नहीं, और मैंने कहीं देखा नहीं, और इधर उधर कभी होता था, जैसे अगर कोई थोड़ा सीखना, श्लोक सीखना शुरू कर दे, कथा बनना, कभी कभी सोचता टांग खींचना शुरू कर देते, ये हमसे बड़े नहीं बन जाए,
कि हमसे आगे नहीं निकल जाए। ईर्ष्या द्वेष होता है ना, अरे अगर ज्यादा सीख करके मेरे से अगर बड़ा बन जाएगा तो फिर मेरे नाम क्या हो जाए, घट जाएगा। कभी कभी हमारे मन में ऐसी भावना हो जाती है, लेकिन इनके हृदय में वो सब चीज तो मैंने देखा है नहीं। इसलिए कृष्ण कहते अयम निज पर भेद गणना लघु चित्तसा, जिसकी हृदय छोटा है ना वो मेरे तेरे तेरे करते रहते हैं, लेकिन उदार चरित्र मना तो बस दैव कुटुंबकम, जिसका हृदय उदार होता है ना वो क्या समझता है, हम एक परिवार है, हम सबके सब एक पिता माता की संतान है, हमारी एक पिता माता कौन है, ठाकुर जी, हम सबको उनकी ही बच्चे हैं हम सबके सब। इसलिए उनके हृदय इतने उदार था, इसलिए सबको चांद से देते थे। देखो मेरे कैसे, मैंने अभी तो जो थोड़ी बहुत तो बोलता हूँ गुरु जी की कृपा से ही बोलता हूँ, मेरे को उन्होंने कैसे चांद से दिया। कोई तिथि आया तो बोले मेरा नाम था ब्रह्मचर्य रसानंद, बोले रसानंद कुछ बोलो भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, बोले गुरुदेव मैं नहीं, मेरा उम्र होगा 20 साल होगा, बोले गुरुदेव मैं नहीं बोल सकता हूँ, बोले तुम मेरे आदेश से पालना करोगे ना तेरे आदेश से मैं पालना करूंगा, तुम मेरे आदेश से पालना करोगे ना तेरे आदेश से मैं पालना करूंगा, खड़े हो जाओ। गुरुदेव मेरे को जोर जबरदस्त खड़े कर दे, बोले बोलो। और उस समय मथुरा में बहुत लोग और बहुत संत लोग बैठे हुए थे, हे मैं तो थोड़ी बहुत कुछ बोला लेकिन मेरे शरीर से पसीना पसीना भर गया, डर के मारे ना फिर एकदम डर गया, फिर मैं किसी तरह से बोल कर बैठ गया। उसके बाद में गुरुदेव उत्साह, तुमने बहुत बढ़िया बोला गुरुदेव, बोले। फिर और एक तिथि आया, बलदेव विद्या वैष्णव का तिथि आया, गुरुदेव सबको चांस देते थे, है बोले बोलो बोलो, लेकिन गुरुदेव बोलते देखो पहले जो एक व्यक्ति बोल देगा, क्योंकि उस संतों के ऊपर बोलना पड़ेगा, जो पहले बोल देगा उसको रिपीट नहीं करना, उसको रिपीट नहीं करना, नई बात बोलना। लेकिन मेरे से पहले दो तीन संतों को खड़े कर दिए, वो तो सब बोल दिया, मेरे लेके उसको बुराया नहीं, मैं क्या बोलूं, मैंने बोल दिया गुरुदेव, वो तो सब बोल दिया, मैं नहीं बोल सकता, सब तो बोल दिया। गुरुदेव मेरे को इतने डांट लगाए ना सबको सामने, बोले मंदिर में किसी लिए खाने और सुनने के लिए आया, बोले तूने पिता माता को धोखे दिया, सेवा नहीं किया तूने पिता माता की, वहां पर भी धोखे दिया, यहाँ पर भी गुरु जी को धोखा देने के लिए तू आया किया है, ग्रंथ शास्त्र को पढ़ो, अध्ययन करो ग्रंथ शास्त्र को। मेरे को बड़े जोर से गुरुदेव डांट लगाए, इतने डर गया सबको सामने, गुरुदेव इतने बेइज्जत किया मेरे को, मैं इतने डर गया ना, इतने डर गया गुरु जी के बोलने पर। हाँ जब कोई तिथि आने लग जाता ना, मैं पत्रिका पंचांग पंचांग देखने कौन सा संतों का तिथि आ रहे हैं, कि पहले प्रिपरेशन हो, नहीं तो गुरुदेव पूछे के बोल नहीं पाएंगे, फिर गुरुदेव डांट लगाएंगे। मैंने 20-15 दिन पहले से ही प्रिपरेशन होने लग जाता था, क्या बोलूंगा क्या बोलूंगा है, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद है, बोलते 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 इतने अच्छे बोलना लग गए, अगर कभी चार से आता था ना गुरुदेव सबसे पहले मेरे को खड़े कर देते हैं, गुरुदेव मेरे को सबसे पहले गुरुदेव खड़े कर देते, बोलते थे गुरुदेव अभी रसानंद नाम था मेरा, बोले गुरुदेव कभी कभी करते रसराज बोल देते थे, बोले रसराज रसराज रसानंद अभी रस बरसाएगा, अभी ये रस बरसाएगा। इसलिए हम जो थोड़ी बहुत सीखे है ना गुरु जी की आशीर्वाद से सीखे, मतलब उन्होंने बच्चों को इतने प्यार करते हुए बच्चों को उन्होंने सिखाया करते थे, और गुरु जी की कृपा से राज की जय, भक्ति विदास नारायण गोस्वामी महाराज की जय। इसलिए हम महाराज के लिए उदाहरण देते हैं, जैसे पारस मणि होता है ना, जो पारस मणि में क्या करो, अगर किसी लोहे को टच कराओ तो क्या करता था, लोहे को सोना बना देता है। हम कहते गुरुदेव ऐसे नहीं, ऐसे पारस मणि नहीं, गुरुदेव अगर जिस लोहे को भी स्पर्श करे ना उसको लोहे नहीं उसको क्या बना देते, गुरुदेव उसको पारस मणि बना देते, पारस मणि गुरुदेव बना देते उसको, उसको लोहे नहीं बनाया करते थे। इसलिए गुरुदेव किसने बोले गुरुदेव अब इतने सारे शिष्य बनाए, गुरुदेव संपूर्ण विश्व में गए, सर्वत्र उन्होंने गुरुदेव प्रचार और प्रसार किया। अब ये समझो गुरुदेव जितने जल्दी से उन्होंने लास्ट उम्र में जितने जल्दी से उन्होंने इतने प्रचार किया है ना, मुझे लगता है कोई इतने संत नहीं हुए इतने कम दिन में, इतने पृथ्वी में गुरुदेव ने पृथ्वी में 30 बार कर संपूर्ण पृथ्वी को, लंदन अमेरिका फ्रांस जर्मनी रशिया 30-30 बार उन्होंने पूरा पृथ्वी को परिक्रमा गुरुदेव ने किया, संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने परिक्रमा की और इतने गुरुदेव ने प्रचार की। गुरुदेव किसने बोले महाराज जी आप इतने शिष्य बना कर जा रहे हो पीछे कौन देखेगा, गुरुदेव कहते मैं एक नारायण जा रहा हूँ,
और मेरे पीछे अनंत नारायण को रख करके जा रहा हूँ, अनंत में नारायण को रख करके जा रहा हूँ। सचमुच से देखो प्रचार का, मैं देखो गुरुदेव का जो सन्यासी है ना, कितने सुंदर कथा बोलते हैं। संन्यास की बात सुन जो ब्रह्मचारी, कितने सुंदर कथा। ब्रह्मचारी की बात सुन जो गृहस्थ भक्त है, वो कितने सुंदर कथा बोलते हैं। पुरुष लोग, पुरुष की बात सुन जो माताएं भी, देखो सरिता दीदी को देखो कैसे कैसे उनकी शिष्या है। कालिन दीदी उसको पीछे पीछे, उनको पीछे पीछे लगी कालिन दीदी, प्रचार करते हुए धीरे धीरे। इसलिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं सबके सब क्या करना, सबको भगवान की, जितने तुम लोग हो है। देखो अगर ये चीज अच्छी तरह समझो, जब जिसको तुम भगवान की भजन में लगाते हो ना, ये प्रभुवाद ये बात को कहते हैं, ये प्रभुवाद ये बात को कहते हैं। अगर एक व्यक्ति को अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो, अगर जो माया संसार में जो भूले भटकते हुए जो जीव है, अगर उनको भगवान की कथा सुना करके, अगर तुमने एक व्यक्ति को अगर भगवान की भजन में लगा दिया, केवल एक व्यक्ति को लगा दिया, प्रभुवाद कहते हैं हमारे जो गुरुजी के गुरुजी जो पृथ्वी में प्रचार किया, वो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी, अगर एक व्यक्ति को अगर भगवान की भजन में लगा दिया तो उससे अनंत करोड़ गुण में ज्यादा फल मिलेगा तुमको, अनंत करोड़ गुण में पुण्य मिलेगी। किसको कपड़ा दे दो दिन में फट जाएगी, इसको भोजन कराओ तीन से चार घंटा बाद भूख लग जाएगी, किसको दवा दे दो कुछ दिन बाद फिर दूसरी बीमारी आ जाएगी। लेकिन जिसको प्रभु की भजन में लगा दिया तो क्या होगा, कृष्ण कहते हैं अर्जुन जत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम, जो धाम में एक बार जाने पर मेरे पास में फिर दो बार इस जगत में आना नहीं पड़ता, उसको चिरकाल के लिए परम शांति परम सुख को प्राप्त करता है। इसलिए क्या करना, सबको भजन में लगाओ। इसलिए अभी धीरे धीरे हमें बबीता दीदी, बबीता दीदी यहाँ पर है, हाँ ये भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, और हमारे सीमा दीदी ये भी धीरे धीरे कोशिश करती है। इसलिए आप लोग भी सबको, माता जी है शिमला, इसलिए आप लोग भी कोशिश करो, क्या करो तुम्हारी आस पास में, इसलिए क्या करो, तुम्हारे जो आसपास पास व्यक्ति है ना, उनको भगवान के बारे में बोलो। किसके बारे में बोलो, ऐसे नहीं बैठ कर उसको बहू के साथ मिसका हो गया, उसका सास झगड़ा झगड़ा हो रहे, उसको ऐसे नहीं बैठ कर दुनिया की बात मत करो, ठीक है ना। बैठ कर किसकी बात करो, ठाकुर की चर्चा करो, कितने तुमने माला की है, कितने भजन करते हो है। इसलिए इसमें अपना भी कल्याण है, इसमें दूसरा का भी कल्याण है, सबका कल्याण। कथा जिसको कथा सुनाओगे दोनों के कल्याण होगा। अगर दुनिया की चर्चा करोगे तो क्या होगा, अपना अपना भी हानि है और दूसरे का भी हानि, दोनों का हानि इसमें है, दोनों का ही हानि है। लेकिन हरी चर्चा करोगे तो तुम्हारे भी कल्याण है और जो सुनेगा उसका भी कल्याण। और कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन, मैं जगत में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करता हूँ, भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा किसको प्रेम करता हूँ, भले जगत में जितने सब जीव है मेरे सब बच्चे हैं, ये सब कैसे मेरे बच्चे हैं, ये जो भूले भटकते हुए मेरे जो बच्चों को जो मेरे पास में ले आते हैं, क्योंकि हमारे पिता तो साधारण है नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है हमारे पिता, ठाकुर स्वयं पिता, लेकिन बच्चे तो हम उनकी, लेकिन जगत में हम सब भूले भटकते हुए जीव संसार में भटक रहे हैं, हम दुख कष्ट को उठा रहे हैं संसार में, लेकिन पिताजी अथाह संपत्ति के मालिक है। अगर किसी बच्चे को कोई ला करके अगर पिताजी के शरण में दे दिया तो क्या हुआ, सारे संपत्ति का मालिक तो तुम ही बन जाओगे। पिताजी को बाद में, पिताजी का संपत्ति में तो बच्चे का अधिकार है ना, भगवान आनंद रस स्वरूप भगवान है। अगर हमें कोई भगवान की बार में समझा करके ठाकुर के पास में ले आए तो समझो कृष्ण खुद कहते हैं जगत में तुमने सबसे बड़ा उपकार किया, सबसे बड़ी उपकार किया। क्यों, उसको प्रभु की भजन में भक्ति में लगा दिया तो अपनी असली पिताजी के पास में आ गए, ठीक है ना। क्या करना है, इधर उधर की बात नहीं करना, हरि नाम करना। देखो पहले तो खुद को नाम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं तुमने कुछ खुद कुछ करते नहीं दूसरों को बोलने लगे, दूसरा भी करेगा नहीं, दूसरे नहीं करेगा। लेकिन जब तुम हरिनाम करोगे भजन करोगे फिर दूसरों को बोलोगे ना,